पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की कार्रवाई। चौकाब सेक्टर में 4 सिक्योरिटी अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुकूमत को मजीद 2 माह दिए तो तबाहकुन होंगे, इलेक्शन जितनी जल्दी होंगे उतना ही बेहतर है। इमरान खान की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। परवेज इलाही ने भरपूर वफादारी निभाई, जवाब जरूर देंगे। रिजीम चेंज के बाद अफगान हुकूमत ने TTP को पाकिस्तान जाने का कहा। हमें हमारा नतीजा चाहिए, ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं। हाफिज नईम की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा वजीर आला सिंध को फोन पर तहफुजात बता दिए। मुराद अली शाह ने दूर करने की यकीन दहानी कराई है, आवाम के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे। फॉर्म 11 के मुताबिक नतीजा नहीं देते तो एहतजाज का हक रखते हैं, एहतजाज का दायरा वसी भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 मॉडल को भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।